स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन एप्लीकेशन ऑफ सोडिजर वेव इक्वेशन जैसा कि हमने देखा है सोडिंजर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी टाइम डिपेंडेंट टाइम इनडिपेंडेंट तो उनकी चार एप्लीकेशंस है जिसमें से पहली एप्लीकेशन है बाउंड स्टेट से रिगार्ड बाउंड स्टेट से डील करती है और वो है पार्टिकल इन एन इन्फानाइट पोटेंशियल वेल अनंत गहराई के विभव कूप में कण की स्थिति ऐसा मान करके चलिए कि कोई इन्फानाइट डेप्थ का कोई कुआ है और उसमें पार्टिकल को फेंक दिया है तो उसमें पार्टिकल की एनर्जी के क्या क्या स्पेक्ट्रम हो सकते हैं पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कैसी कैसी हो सकती है उस पार्टिकल के बारे में हमको टोटल स्टडी करना है तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमारे पास एक इन्फानाइट पोटेंशियल वेल है जिसका एक्सटेंशन जीरो से ए है जिसके अंदर अगर पार्टिकल जाता है तो वो कभी वापस बाहर नहीं आ सकता दैट मीन्स इसके बीच में वेल well के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और ये दीवारें जो है ये इंफानाइट पोटेंशियल की है इसलिए इसके अंदर जाने वाला कभी बाहर नहीं आ सकता और पार्टिकल के लिए एक इंफानाइट वेल का वेल की तरह बिहेव करेगा तो इसका जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं कि जीरो से ए के बीच में पोटेंशियल जीरो है ए के बाद में और जीरो से पहले पोटेंशियल की वैल्यू इन्फानाइट है तो हम क्या करेंगे इस जीरो के लिए सोडेंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे देखिये सोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन साइड द बॉक्स इज माइनस एच क्रॉस स्क्र अपॉन टाइस एम डेल टू साई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इट इज इक्वल टू ई साई वी इज इक्वल टू जीरो रखने पे आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी और इस ई e को इधर ट्रांसफर करके ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इन साई इट इज इक्वल टू जीरो ये जो टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है इसको हम के स्क्वायर मान लें तो ये एक सिंपल वेव प्लेन वेव इक्वेशन बन गई जिसका सॉल्यूशन जो है ये जो इक्वेशन थ्री है ये एक प्लेन वेव की इक्वेशन हो गई एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह रिप्रेजेंट कर बिहेव करती है तो ये जो इक्वेशन हो गई इसका जनरल सॉल्यूशन हमको पता है ए साइन के एक्स प्लस बी इस सॉल्यूशन के ऊपर अगर अपन थोड़ा सा देखें इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो सोचने की बात है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल इन्फानाइट था मतलब वे फंक्शन जीरो होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर भी वे फंक्शन जीरो होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल इन्फानाइट था तो साई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स दैट इज साई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो साई ऑफ ए इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए लेकिन हम ये देखते हैं कि जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा लेकिन कॉज जीरो जीरो नहीं होगा इसलिए बी को जीरो होना पड़ेगा तो यहां पर लिमिटेशन ये है कि बी जीरो होना चाहिए अगर बी जीरो हो गया तो आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो गया ए साइन के एक्स अब हमने कहा कि ए, x इज इक्वल टू ए पर भी आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो x इज इक्वल टू ए पर आपका वेव फंक्शन हो गया a साइन के एट इज इक्वल टू जीरो आपको पता है a एम्पलीट्यूड है ये जीरो नहीं हो सकता दैट मीनस साइन ऑफ के ए जो है ये जीरो होना चाहिए साइन के ए अगर जीरो है तो के ए हो गया एन पाई और के की वैल्यू हो गई एन पाई अपॉन ए ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई तो अब हमारा जो वेव फंक्शन हो गया ये वेव फंक्शन हो गया है साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स के ए यहाँ पर हमने के की वैल्यू रख दी है एन पाई अपॉन ए अब इसकी अगर अपन एनर्जी स्टेट्स निकालना चाहें तो जैसा कि हमको पता है के किसके बराबर है एन पाई अपॉन ए ऑल्सो हमें यह भी पता है के स्क्वायर जो है वो ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर है तो इसका स्क्वायर करके इसके बराबर रख कर, रख करके और एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए इसका स्क्वायर किया इसके बराबर रखा ई एन की वैल्यू फाइंड आउट करी अब अगर अपन यहां पर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखें जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको अलग अलग एनर्जी की स्टेट्स मिल जाएगी उस इन्फानाइट पोटेंशियल वेल के अंदर और ये अलग अलग एनर्जी की स्टेट जब हम निकालते हैं तो हमको ये पता चलता है ये सारी की सारी एनर्जी स्टेट्स जो है ये हमको क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स मिलती है क्यों क्योंकि देखिए इस एनर्जी के फार्मूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ एन वेरिएबल है कॉन्स्टेंट एच कॉन्स्टेंट टू एम ए ये सब कांस्टेंट है तो एन की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्वाटाइज एनर्जी स्टेट्स मिलती जाएगी अगर एनर्जी क्वांटाइज है तो ये मान करके चलिए आपको मोमेंटम भी क्वांटाइज मिलेगा जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओके अब हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ए की जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे के पूरे वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है इंटीग्रेशन साई स्टार साई इट इज इक्वल टू तो वन इसको करने के लिए हमारे पास साई की वैल्यू है साई स्टार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही होगा साई हमारे पास देखिए आ रखा है इक्वेशन एट से ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा इसलिए यहां पर आपका स्क्वायर बन गया ओके इसको हम सोल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से ए के बीच में क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटापॉइन्ट टू तो ये वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से ए की लिमिट के अंदर और जब यहां पर जीरो से ए की लिमिट को पुट करेंगे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर अपॉइंट टू इंटू एट इज इक्वल टू वन दैट इज ए इज इक्वल टू रूट टू बाई ए मीन्स हम क्या देखते हैं यहाँ पे हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या था साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स था हमने के की वैल्यू निकाल करके पुट करी वो क्या थी एन पाई बाई ए हमने ए की वैल्यू नॉर्मलाइजेशन से निकाल करके पुट कर देंगे वो होगा रूट टू अपॉन ए अब हम क्या करेंगे हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ गया है इस टोटल वेव फंक्शन में एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर रखते जाएंगे और अलग अलग स्टेट पर आपको अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर तो ए की हमने वैल्यू डिसाइड करी है जीरो से ए के बीच में ए बाई टू जीरो से ए बाई टू के बीच में ए बाई फोर ए बाई टू से ए के बीच में थ्री ए बाई फोर ठीक है ये वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे तो हमारे पास एनएज इक्वल टू वन पर साई वन एन एज इक्वल टू टू पर साई टू एनएज इक्वल टू थ्री पर साई थ्री जो ड्रॉ करेंगे ए की जीरो से ए तक की वैल्यूज के बीच में तो एन एज इक्वल टू वन के लिए ऐसा पैटर्न एन एज इक्वल टू टू के लिए ऐसा पैटर्न और एन एज इक्वल टू थ्री के लिए ऐसा पैटर्न मिलेगा और इसी की अगर हम प्रोबिलिटी डेंसिटी निकालें जो कि साई स्टार साई होती है क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन आया हुआ है रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इन टू रूट टू अपॉन ए तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल करके फिर से एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर रखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी फॉर एन इज इक्वल टू वन का ऐसा पैटर्न एनज इक्वल टू टू का ऐसा पैटर्न फिर हम देखते हैं कि क्या ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है तो हम ऑर्थोगिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं एम स्टार एन डी एक्स जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये इंटीग्रेशन जीरो के बराबर आ रहा है दैट मीन्स हमारा जो साई एम और साई एन हमने जो दो वेव फंक्शन लिए थे ये दोनों ही कैसे हैं ऑर्थोगोनल है ये पूरी स्टडी है अगर कोई पार्टिकल एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में हो तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी उसके अलग अलग लेवल पर वेव फंक्शन के पैटर्न क्या क्या होंगे उसका मोमेंटम कैसा होगा सब कुछ थैंक यू